हेलो लियो, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और आज हम आपकी 2020 की रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग थ्री पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहला फाइनेंस होगा, दूसरा लव होगा, तीसरा हेल्थ होगा। सो हम स्टार्ट करेंगे, पहले एक ओरेकल कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं फॉर द ईयर 2020। और कोशिश करेंगे जानने की कि आपको क्या एक पाथ फॉलो करना है। ओडी साइकिक इनसाइट। योर थर्ड आई इज ओपन, सी द ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी आंखें इस साल खुल जाएंगी और आप बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे, उससे ज्यादा देख पाएंगे जो हमारी फिजिकल आंखें देखती हैं। थर्ड आई मीन्स कि आपकी इंट्यूशंस, अंदर के जो इंट्यूशंस हैं वो आपको गाइड करेंगे और आप साफ साफ देख पाएंगे कि किसके क्या इंटेंशंस हैं, कौन क्या है, किन चीजों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या चीजें क्यों हो रही हैं। सो साइकिक इनसाइट बहुत अच्छा कार्ड है और 2020 में आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी कि किस इंसान की आपको जरूरत है, किसकी नहीं है, और सब कुछ साफ साफ आपके सामने आएगा। सो वेरी गुड मैसेज, ये बहुत अच्छा मैसेज है। सो लेट्स स्टार्ट योर फाइनेंस रीडिंग फॉर द ईयर 2020। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। Eight of Cups, Five of Swords, Four of Swords, Knight of Cups। तो ये आपके फर्स्ट हाफ की रीडिंग है 2020 की। अगर आपके फर्स्ट क्वार्टर को देखा जाए, दैट इज जनवरी, फरवरी एंड मार्च, मुझे दिखाई दे रहा है कि जनवरी में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही मुझे। मतलब कि पैसा आपके पास आएगा, जो चीज आप चाह रहे हैं वो जरूर होंगी, बिकॉज यह नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो यह विक्ट्री दिखाता है। मतलब आप पैसा आएगा जैसे आप चाहते हैं, जहां से आप मतलब एफर्ट लगाएंगे अपना वहां से पैसा आएगा, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होगी कि वो पैसे फिर भी आपको कम पड़ जाने वाले हैं इन द फर्स्ट क्वार्टर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। पैसा आएगा बट जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके हिसाब से आपके पास पैसे कम होंगे। आपको यही लगेगा कि आप वैसे नहीं खर्च कर पा रहे हैं जैसा कि आप चाहते हैं खर्च करना। हियर अगेन वी हैव एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स यही दिखा रहा है मुझे कि विश फुलफिलमेंट हो रही है, चीजें आपको मिल रही है, बट स्टिल ये आदमी टेंशन में है और यहां से दूर जा रहा है। समहाउ इसके अंदर डिससेटिस्फेक्शन है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस दायरे में पूरा नहीं कर पा रहा है। सो समहाउ मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस अच्छा है आपका, बट स्टिल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी आ सकती हैं जिसके लिए आपको ऐसा फील हो कि मुझे पैसे की कमी हो रही है, या अगर थोड़ा और होता तो अच्छा होता। नेक्स्ट क्वार्टर में मूव करें, ये चीज वहां कंटिन्यू हो रही है। अगर अप्रैल, मई और जून का हम देखें तो यहां ये चीज कंटिन्यू हो रही है। यहां फोर ऑफ शॉर्ट्स है। यहाँ फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब यही है कि आप थोड़े परेशान हैं, स्टिल परेशान है, जो पहले क्वार्टर में हुआ उससे आप परेशान हैं और कुछ डिप्रेशन में हैं। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अपने फाइनेंस कैसे मैनेज करें, बट इन दी एंड नाइट ऑफ कप्स विक्ट्री, आप कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे इस सिचुएशन का। और इन दी एंड मे बी अराउंड मई और जून आप सब चीजें मैनेज कर लेंगे और हर चीज के लिए आप फाइनेंस मैनेज कर लेंगे और हर चीज को ठीक से फुलफिल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हाफ में देखते हैं 2020 के कि आपके लिए फाइनेंस में क्या है। फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंडमैन, Nine of Swords,
Queen of Wands. Okay. Eight of Wands in reverse. तो अगर मैं यहाँ देखने जाऊँ आपके थर्ड क्वार्टर में यानी जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे और आपकी विशेष फुलफिल हो रही है. टेन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आपको काफी पैसों का मुझे फायदा दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन. मतलब कि पैसों का इनफ्लो बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे थर्ड क्वार्टर में. सो जैसा आपने विश किया था चीजें वैसे मूव होने लगेंगी और थर्ड क्वार्टर में पैसों का बहुत अच्छा इनफ्लो दिख रहा है. नेक्स्ट वी हैव द हैंगमैन. द हैंगमैन मुझे ये दिखा रहा है रिवर्स में आने से कि आपसे कोई गलती हो सकती है पैसों के मैनेजमेंट को लेकर. सो आप बहुत अलर्ट रहें और ध्यान रखें कि पैसे आपको कहाँ और कैसे मैनेज करनी है क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज को नजरअंदाज करके किसी क्लॉज को किसी एग्रीमेंट को नजरअंदाज करके पैसा लगाएंगे और उसके बाद आप रिग्रेट करेंगे. सो इट्स बेटर कि आप ऐसा ना करें. और ये कार्ड बिल्कुल नेक्स्ट टू दिस आया है. इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है जो थर्ड क्वार्टर है आपका अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर फोर्थ क्वार्टर आई एम सॉरी अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर यहां ऐसा लग रहा है ये आदमी सैड होकर बैठा है. आप कोई गलती करेंगे एंड ऑल ऑफ अ सडन आप रियलाइज करेंगे ओ ये मैंने क्या कर दिया इन द थर्ड क्वार्टर. मैंने ऐसा कैसे कर दिया ये क्या कर दिया ऑल ऑफ अ सडन. आप जैसे ही ये अग्रीमेंट या कोई भी चीज जो है आप साइन करेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि ये मैंने क्या कर दिया. सो बी वेरी केयरफुल इन द एंड. और हालांकि मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रही है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये दिखाई दे रही है कि सिचुएशन मैनेज करने का कोई तरीका निकल आएगा. इवन आपसे अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो शायद आप उसे हैंडल करने में सक्सेसफुल हो जाएं क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रही है थोड़ी स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे. सो जो भी गलती हुई है पहले तो आप कोशिश करें कि आप ऐसे फैसले लेना लेकिन अगर हो भी जाती है तो आप हड़बड़ाएं ना ठंडे दिमाग से सोचें क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो चीजों का सोल्यूशन निकलेगा और चीजें कायदे से मैनेज हो पाएगी. हियर वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. यहां मुझे दिखाई दे रहा है कुछ आपका पैसे को लेकर फ्रस्ट्रेशन कुछ कमी दिखाई दे रही है. मे बी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी लेकिन पूरी तरह अभी उसका रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा इन दिस ईयर इटसेल्फ 2020 के एंड तक इसका रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा. बट स्टिल चीजें सॉर्टेड आउट हैं और लॉन्गर रन में ये चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी. ये टेम्पोररी कार्ड से क्योंकि हम यार दिसंबर 2020 में रीडिंग एंड कर रहे हैं तो दिसंबर में इस साल के एंड तक ये चीजें भले ही ना सॉर्ट आउट हो जाएंगी और इसका रिजल्ट आपको मे बी आफ्टर दिसंबर नेक्स्ट ईयर के देखने को मिले. सो ओवरऑल फाइनेंशियल रीडिंग आपकी अच्छी है. पैसों का इन्फ्लो मुझे काफी दिख रहा है. हालांकि शुरू में मुझे लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू द मनी दैट इज इन कमिंग बट स्टिल अच्छा दिख रहा है. यहाँ पे द हैंगमैन दिखा रहा है मुझे कि कोई गलती होने की पॉसिबिलिटी है. स्टिल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है हमारे पास तो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है. घबराए नहीं अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है तो. चलिए आपके फाइनेंशियल रीडिंग के लिए एक सेपरेट कार्ड निकालते हैं. मैसेजेस फॉर लियो फॉर द ईयर 2020 फाइनेंसेस. द शेकीना सेक्रेट सेल्फ अनलीश योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ. ओके सो आप ओवरबर्डन ना फील करें. अपनी जो आपकी पावर्स हैं और जो गिफ्ट हैं उनको पहचानें. अपने आप को फ्री छोड़ें अपनी स्पिरिट को फ्री छोड़ें. ज्यादा कॉशियस होके या ज्यादा सोच के ना चलें और डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ. और लाइफ की जो भी रिदम है आप उसी के हिसाब से चलें और उसके अपोजिट ना जाने की कोशिश करें इन द मैटर ऑफ फाइनेंस. एंड दिस इज द रीडिंग फॉर योर फाइनेंस. तो जो भी आपको ऑफर्स आ रहे हैं जो आपको सही लग रहा है उसी हिसाब से चलें. आपकी थर्ड आई वैसे भी आया था रीडिंग में फर्स्ट कि ओपन है इस वक्त और आप सब देख पाएंगे. सो डू नॉट रिग्रेट. अगर मोमेंटरीली थोड़े समय के लिए कोई गलती हो भी गई है तो वो चीज ठीक हो जाएगी. सो ये ईयर आपका अच्छा था और आप आई होप यू एंजॉय द रीडिंग. इसके बाद हम चलेंगे आपकी लव रीडिंग की तरफ एंड लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या है. देखते आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है फॉर द ईयर 2020. मैसेजेस फॉर लियोस. एट ऑफ सॉर्ड्स. Five of Swords. The Hanged Man.
King of Cups. King of Wands. Very good. But अगर ये आपके first half की 2020 की reading है, अगर मैं आपका first quarter देखूं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई आपके बारे में कुछ rumors फैला सकता है, जो आपको लगे कि आपकी dignity को खराब करने जैसा है. कोई आपके बारे में कुछ rumors फैला सकता है जो कि आपको hurt करेगा बहुत ज़्यादा. और इस तरह के jealous people आपके आसपास होंगे, maybe आप कि रिलेशनशिप को खराब करने के लिए कुछ रूमर्स फैला सकते हैं. एंड आप इस चीज को लेके बहुत डिस्ट्रेस रहेंगे, आप हेल्पलेस फील करेंगे कि आप चीजों को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं. हेट्रेड और रूमर्स को आप कंट्रोल में नहीं कर सकते, तो हेटर्स का आप कुछ भी नहीं कर सकते. यू हैव टू बी स्ट्रांग. आपको बस अपने पर भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है, जो कि मुझे दिख भी रहा है. नेक्स्ट जो फर्स्ट क्वार्टर है हमारा, जनवरी फरवरी मार्च का, इसमें द हैंगमैन है. आप वाइज रहेंगे, आप ये समझ पाएंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये टेम्प्रोरी है और इस पर्सन के रूमर्स पे कोई मतलब नहीं है. ये सिर्फ एक फेक शो है आपकी तरफ से अटेंशन हटाने के लिए किसी पर्सन का और आपके रिलेशनशिप को खराब करने का. सो यू आर वेरी वाइज. सो आप वाइज रहेंगे और ग्रेसफुली इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फिजूल में रूमर्स और हेटर का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, वो सबके होते हैं. नेक्स्ट अगर हम सेकेंड क्वार्टर में जाएं तो अप्रैल मई और जून, आपके हेटर्स को पता लग जाने वाला है कि आपके रिलेशनशिप को कोई हार्म नहीं होने वाला और आप जिस पोजीशन पे थे उसी में हैं और आपकी लाइफ जो है लव एंड रिलेशनशिप के मामले में पूरी तरह से फुलफिल्ड रहेगी. दे विल नो दैट दे कांट डू एनीथिंग टू योर रिलेशनशिप एंड दे कांट इंटरफेयर. आप वो कुछ भी रिमर फिदा, इससे आपके लव लाइफ पे कोई असर नहीं आएगा. नेक्स्ट यू वी सी द एम्प्रेस. यह एम्प्रेस देख रहे हैं आप, बट आप डाउटफुल हो जाएंगे इन चीज को लेकर, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ, जो रूमर्स आपके बारे में फैलाई गई या जिसके कारण आपको इतना डिप्रेशन हुआ, या फर्स्ट क्वार्टर में आपके और आपके पार्टनर के बीच जो भी मिसकम्युनिकेशन या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई इन रूमर्स की वजह से, आप उस चीज को लेके थोड़े से डाउटफुल हो जाएंगे. आप हर किसी को एनालाइज करने लगेंगे इन द नेक्स्ट क्वार्टर, इससे लेसन लेते हुए, विच इज ओके फाइन. आप हर चीज को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके आगे बढ़ना अच्छा होगा. नेक्स्ट ईयर वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. King of Wands shows me the satisfaction from the whole situation. तो आप अपनी सिचुएशन से इस सेकेंड क्वार्टर में खुश रहेंगे कि ओवरऑल आप हैप्पी हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है और आपके पार्टनर जो भी है आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है और सब कुछ इन दी एंड अच्छा हो रहा है. बट स्टिल एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये वन एक पर्सन के कार्ड निकालते हैं हम. दिस इज नॉट अ You cannot compare it to the personal reading जहां दो parties के card निकलते हैं. तो ये first एक person के card है, तो ये आपके भी side से हो सकता है, आपके partner के भी side से हो सकता है. Maybe आप अपने partner के बारे में कुछ rumors सुने जिसको लेके आप थोड़े upset हो जाए, but that doesn't matter. In the end everything will be fine. तो चलिए देखते हैं next quarter में आप next half year आपके लिए कैसा रहेगा. Four of Wands. ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स. नाइट ऑफ कप्स. नाइट ऑफ वॉन्ड्स. The Hermit. Ten of Pentacles. तो अगर हम next half की बात करें तो यहां मुझे delays दिखाई दे रहे हैं किसी merriment या cheer को लेके. Means कि आप अगर कुछ plan कर रहे थे अपने partner के साथ, maybe
गेट टुगेदर या किसी तरीके का मैरिज प्रपोजल या प्रपोजल आपके पास रहा हो या आप सोच रहे हो या अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए सोच रहे हो या आप मैरिड हैं तो एक दूसरे से अगर कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप को और सुधारने के बारे में सोच रहे हैं इनकेस आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो गए हैं तो मुझे दिख रहा है इसमें कुछ डिले नजर आ रहा है थर्ड क्वार्टर में दैट इज जुलाई अगस्त एंड सेप्टेम्बर या कुछ डिले नजर आ रहा है मे बी आप डाउटफुल होंगे आपका पार्टनर डाउटफुल होगा और जब तक वो उस डाउट से क्लियर ना हो जाए इससे पहले वो आगे नहीं बढ़ना चाहेगा बट देन नेक्स्ट है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स मे बी आप डिले कर रहे हैं बट आपका पार्टनर बहुत ज्यादा जल्दी चीजें आगे ले जाना चाहता है और आप या तो फिर वो डिले कर रहे हैं और आप चीजें ज्यादा जल्दी आगे ले जाना चाहते हैं वन पार्टनर इज ईगर टू गो फॉरवर्ड एंड अदर इज इन डाउट देन हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप डाउट में तो हैं बट स्टिल यू आर सो मच इन लव और इन अफेक्शन कि आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़ना ही चाहिए मीन्स कि आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते और ठीक है आप सोचेंगे कि आगे बढ़ना ही चाहिए मे बी कुछ लियोस के लिए जो टाइम है थर्ड क्वार्टर का और मेनली सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर हो सकता है कि शादी का आपका अगर आप रिलेशनशिप में तो शादी के चांसेस है आपके एंड हियर वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ट्स ये दिखा रहा है विश फुलफिलमेंट विक्ट्री मतलब जो भी डाउट्स वगैरह थे क्लियर हो गए या जो भी इश्यूज था सब प्रॉब्लम साइड करके डिसएग्रीमेंट साइड करके आप आगे बढ़ेंगे एंड देट विल बी अ विक्ट्री आपका रिलेशन फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ेगा एंड देर बी अ साइन ऑफ विक्ट्री बट अगेन अगर हम नवंबर और दिसंबर में पहुंचे तो आपको लग रहा है कि स्पेस चाहिए मे बी जो भी शादी की बिजनेस है या जो भी आप पहले जितना भी कुछ डिस्कॉर्ड हुआ है जो भी आपने इश्यूज हुए हैं उसको सेटल आउट किया है जो भी इश्यूज आए हैं सब खत्म हुए हैं और अब आपको अपना स्पेस चाहिए आप थोड़ा टाइम खोजेंगे इन द एंड ओवर द टाइम जितना भी ड्रामा हुआ है उससे थोड़ा सा आप रिलैक्स करने के लिए टाइम खोजेंगे ताकि आप एनर्जी फिर से रीगेन कर पाए एंड हियर वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स या मुझे आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है अगेन मुझे लगता है कि जब आप अपने आपको रिट्रीट करेंगे एनर्जी रीगेन करेंगे तो उसके बाद आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है यू विल बी हैप्पी यू विल बी सेलिब्रेटिंग और जो ईयर है वो बहुत एक अच्छे मूड पे खत्म होगा सो चलिए कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए सेपरेट मैसेज क्या है इन लेटर्स ऑफ लव फॉर द ईयर 2020 लेडी पोर्शिया डिवाइन ऑर्डर हियर वी हैव डू व्हाट यू फील इज राइट एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग जो आपको सही लगे आप वो कीजिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन आप सीखेंगे लाइफ में हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है उससे हम एक लेसन सीखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है सो यहां पे आपको ये लिखा है डू व्हाट यू फील इज राइट यूनिवर्स आपको ये कह रहा है जो आपको सही लगे आप वो कीजिए वैसे भी आपका जो कार्ड आया था उसमें लिखा था कि आप सब कुछ क्लियरली इस साल देख पाएंगे सो आपके डिसीजंस भी राइट ही होंगे आप खुद को डाउट ना करें इतना परेशान ना रहें जो आपका मन कहे आप वो कीजिए एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलेगा आपको आपके लव लाइफ में कि आपको शायद या आपके पार्टनर को कि उसे आपको डाउट नहीं करना चाहिए उसे आप पे डाउट नहीं करना चाहिए या आपको उस पर डाउट नहीं करना चाहिए आपका एक्चुअल में जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांग है सो मूव अहेड एंड यस दिस इज अ वेरी नाइस रीडिंग सो आई होप कि आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी हैं एंड स्टे फोकस्ड अपने रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए रादर देन हेटर्स बिकॉज दे आर एवरीवेयर सो लेट्स मूव ऑन टू योर हेल्थ रीडिंग देखते हैं कि हेल्थ में क्या है 2020 में देखते हैं कि आपके हेल्थ के लिए क्या मैसेज है फॉर द ईयर 2020 सो लेट्स शफल द कार्ड एंड सी कि हेल्थ के लिए आपकी क्या सिचुएशंस है Knight of Wands, Three of Cups, Knight of Wands and Three of Cups, Two of Wands, Death, Ace of Swords in reverse,
एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. तो यह है आपके फर्स्ट हाफ की रीडिंग 2020 की. तो आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं. तो अगर मैं पहले क्वार्टर की बात करूं, मतलब जनवरी फेब एंड मार्च की, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ इसमें अच्छी रहेगी और आप जिस भी चीज पे, जिस भी डिजीज से आप जूझ रहे हैं उस पर आपकी विक्ट्री होगी और उससे आप रिकवर कर जाएंगे. एंड हियर वी सी अ पार्टी. इस चीज का जॉय आपके अंदर रहेगा, आप और आपकी फैमिली इसे सेलिब्रेट करेंगी. मान लीजिए कि अगर कोई ऑपरेशन होने वाला है आपका या कोई और चीज है जिसको आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, जो आपको करवाना है, तो ये फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए बहुत अच्छा है, वो सक्सेसफुली हो जाएगा. और अगर ऐसी कोई कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है आपकी, जिसको आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, स्पेशली अगर ऑपरेशंस का मैटर देखें, तो ये सक्सेसफुली होगा और बिल्कुल परफेक्ट होगा. हियर वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स. ये ऐसी चीज को दिखा रहा है कि जिस चीज का आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, एंड दैट इज हैपनिंग. फर्स्ट क्वार्टर में जिस चीज का आप हेल्थ के मैटर्स में वेट कर रहे थे वो आप अचीव करेंगे. मे बी इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, कोई बीमारी थी जिसको आप एंड करना चाहते थे, वो आप अपना चेकअप कराएंगे, तो मे बी हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर में आपको नजर आए कि वो पूरी तरह क्योर हो चुकी है. अगेन हियर वी हैव डेथ. डेथ से मुझे यही दिख रहा है कि कोई चीज एंड हो रही है, यहाँ पे कोई चीज एंड हो रही है. तो ये नेक्स्ट क्वार्टर का आपका कार्ड है, यानी अप्रैल मई एंड जून के. यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है. यहाँ मुझे दिख रहा है कि चीजें एंड हो चुकी हैं, मगर शायद ये चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त. एस ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये दिख रहा है कि आपको ये अभी अंदाजा नहीं है कि जिस चीज से आप जूझ रहे थे वो किस हद तक रिकवर हो चुकी है, और आप पहले जैसा इसे समझ के थोड़ा सा कंफ्यूज हैं और आपको लग रहा है कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स से कि अभी आप पूरे अपने गोल को नहीं पा सके. द मैटर्स ऑफ हेल्थ और एस ऑफ पेंटिकल्स भी यही शो कर रहा है मुझे. बट यहाँ आपकी सिचुएशन जो है हेल्थ को लेकर फेवरेबल, सेकेंड क्वार्टर का जब खत्म होगा, लास्ट आएगा जून की तरफ, इतनी सिचुएशन आपकी फेवरेबल नहीं है. तो थोड़ा सा बच के रहें, अपने चीजों को जो रूटीन फॉलो करना है उसको करते रहें, वरना ये चीजें रिवर्ट हो सकती हैं. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड हाफ. द सन, टेन ऑफ पेंटिकल्स, the emperor, okay, queen of cups, page of pentacles, okay, ten of wands. तो अगर हम थर्ड क्वार्टर की तरफ बढ़े, दैट मीन्स जुलाई अगस्त सितंबर, तो यहां मुझे देखने को मिल रहा है कि फिर से सिचुएशन फेवरेबल बनने लगेंगी. जो पहले सेकंड क्वार्टर में नहीं थी वो फिर से फेवरेबल होने लगेंगी और आप की हेल्थ सुधरने लगेगी. एंड मे बी आप हेल्थ आपकी सुधर रही है फर्स्ट क्वार्टर में, वो क्लियर है, बट आप थर्ड क्वार्टर में रियलाइज कर पाएंगे कि आप उस चीज से पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं. और ये आपके लिए जॉय और स्टेबिलिटी लाएगा. मींस कि हेल्थ के मैटर में आप स्टेबल भी रहेंगे और आप खुश भी रहेंगे कि फाइनली आप जिस चीज से रिकवर करना चाहते थे उससे आपने रिकवर कर लिया है. एंड देन हियर वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. ये गुड हेल्थ का सिंबल है. जो लास्ट थर्ड क्वार्टर होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें भी मुझे बहुत अच्छी हेल्थ की सिचुएशन दिख रही है. आप फिट रहेंगे इन दी एंड एज वेल. पेज ऑफ पेंटिकल्स विश फुलफिलमेंट मुझे दिखाई दे रही है. आप और आपकी फैमिली इस समय में फिट रहेंगे, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. बट हियर इन द लास्ट वी सी टेन ऑफ वॉन्ड्स. ये थोड़ा सा बर्डन फील कर रहा है. मे बी आपको लगेगा कि आप टायर्ड फील कर रहे हैं, नॉट इन द सेंस कि कोई बीमारी है, बट जस्ट टायर्ड, फिजिकली टायर्ड. हो सकता है कि आप इतने वर्क ऑक्यूपाइड हो जाए जिससे आपको फिजिकली टायर्ड लगे इन द एंड. सो ओवरऑल गुड रीडिंग है. आप रिकवर करेंगे किसी चीज से और हेल्थ थ्रू आउट ईयर आपकी अच्छी रहेगी, एक्सेप्ट इन द एंड ऑफ द थर्ड क्वार्टर सिचुएशन इतनी फेवरेबल नहीं है, बट इनका कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है. लेट्स सर्कल द ओरेकल एंड सी कि आपके लिए सेपरेट मैसेजेस क्या है हेल्थ के मैटर्स में. ओडीन, साइकिक इनसाइट, दैट मीन्स
Your third eye is open. See the see truth for what it is and follow your intuition. ये बहुत अच्छा कार्ड है. मतलब कि आपके जो आप इस साल आपका जो फर्स्ट कार्ड आया था, जो ईयरली कार्ड आया था, उसमें भी यही आया था कि आप चीजों को क्लियरली देख पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे जैसी वो है वैसी. सो आपके अंदर की थर्ड आई जो भी है वो इस वक्त ओपन है, जो हम यूजुअली देख नहीं पाते अपनी आंखों से, लेकिन आप देख सकेंगे उसे और रियलाइज कर पाएंगे. सी द ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज. ट्रूथ को देखिए, ये मत आप अज्यूम करिए कि आप अगर कोई बीमारी थी आपके अंदर तो आप उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे. आप प्लीज चेकअप कराएं. यू आर फार मोर अहेड, जितना आप सोच ही रहे हैं उससे ज्यादा पॉजिटिव आप कर रहे हैं. फॉलो योर इंट्यूशन, जो आपके मन में आए आप उसे फॉलो करें, अपने मन की सुने. सो दिस वॉज योर रीडिंग फॉर ईयर 2020. आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग. थैंक यू.